हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे अपनी अपनी लाइफ में। तो मॉर्निंग के 7 बज चुके हैं। आज जो है बच्चों की छुट्टी है और जो है इसलिए लेट हो गई हूँ पूजा करने में। तो देख सकते हो मेरी पूजा हो चुकी है। और आज मैंने कान्हा जी के लिए कल न्यू ड्रेस लेकर आई, तो वो डाला हुआ है, तो आप लोग दिखाती हूँ कैसा है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे अंधेरा आ रहा है नीचे, क्योंकि पीछे फ्रिज रखे ना, इसकी वजह से कोना पड़ जाता है थोड़ा सा, तो अंधेरा आ रहा है। बाकी रोशनी बाहर की आती है अगर पर्दा खोलूँगी तब, नहीं तो नहीं। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूजा कर दिया है, भोग भी लगा दिया है, और ये देखिए कान्हा जी की न्यू ड्रेस, सुंदर लग रही। और ये देखिए, इनकी न्यू नहीं है, इनकी पुरानी है। इनके पास काफ़ी सारे ड्रेसेस ले नहीं लाई, तो इनके पास बिल्कुल भी ड्रेस नहीं थी बड़े वाले कान्हा के पास, तो इनके लिए लेकर आई हूँ। और माता रानी को मैंने आज गुलाब चढ़ाया है। तो ये देखिए पूजा हो चुकी है, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, सभी की मनोकामनाएं पूरी हो। तो चलिए फ्रेंड्स, तो अब चल रही हूँ, नाश्ता बनाऊंगी, पराठे बनाऊंगी और सब्जी बनाऊंगी। तो चलिए बनाती हूँ। और अभी उठे भी नहीं है कोई भी, तो चल रही हूँ उठाने उनको भी। और बाहर बारिश हो रही थी आज, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है बारिश होने की वजह से, तो बारिश भी हो रही है। तो चलिए सभी को उठा देती हूँ। रात को लगता है बारिश हुई थी, और अभी तो फिलहाल बंद है, बूंदाबांदी हो रही थी लेकिन बंद है। तो चलते हैं खाना बनाते हैं। पैरों में ठंड लग रही, पहले मैं कपड़े पहनूँ क्योंकि मुझे भी ठंड लग रही है नहाने के बाद बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए चलते हैं, पहले कर लेते हैं फिर बात करते हैं बाद में। तो फ्रेंड्स, हमारा नाश्ता वगैरह होने के बाद मैंने स्टार्ट कर दी थी अपनी क्लीनिंग। तो बेड शीट से स्टार्ट किया हुआ है क्लीनिंग। तो यहाँ पे बेड को झाड़ वगैरह सीट को झाड़ वगैरह के अच्छे से झाड़ के बिछा दिया है, और उसको सेट करके अच्छे से रख दूँगी। और फिर मैंने उसके बाद कोई वीडियो नहीं बनाई, सीधा मैं आप लोगों से रात को मिलती हूँ। और जो है बस सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं कहीं चली गई थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो वगैरह नहीं बना पाई। और कहाँ गई थी मैंने वो भी नहीं बनाई वीडियो, क्योंकि वीडियो में पास पड़ी हुई थी, अभी वही नहीं डाला हुआ था, इसलिए मैंने फिर वीडियो नहीं बनाया। तो यहाँ पे सारा कुछ अच्छे से लगा दूँगी मैं, बेड शीट, बेड पे तकिया का पिल्लो वगैरह सारा कुछ अच्छे से रख दूँगी। और उसके बाद मैं झाड़ू पोछा वगैरह भी कर लूँगी। और आजकल कंबल हमेशा बेड पे ही रहता है, क्योंकि इतने भारी भारी कंबल कहाँ पे ले जाके रखेंगे, जगह भी नहीं है। तो मैं बेड पे ही ऐसे डाल देती हूँ इस कंबल को, जब जिसको ओढ़ना होता है ओढ़ लेता है, क्योंकि अधिकतर सारे बेड पे ही बैठे होते हैं यहाँ पर, तो ले लेते हैं। और उसके बाद मैं आप लोगों को रात को मिल रही हूँ। यहाँ पर बना रही हूँ मैं खाना, आलू पालक मेथी, तो तीनों चीज़ों मैंने उबाल लिया था अच्छे से। उसके बाद लहसुन और मिर्च में मैंने इसको दे दिया है तड़का, तो सिंपल सा ये तड़का लगता है, कुछ इसमें मसाले वगैरह मैं नहीं डालती हूँ, हमारे यहाँ डलता भी नहीं है। आलू पालक मेथी में बस ऐसे ही लहसुन मिर्च का तड़का दे के और नमक वगैरह डाल देते हैं बस, ऐसे ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो इसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और हाँ, इसमें आलू पालक मेथी और बैंगन टमाटर इतनी सारी चीज़ें डली हुई है, और अगर सेम फली हो तो वो भी डलती है, तो और भी ज़्यादा इसका स्वाद बढ़ जाता है, चार गुना बढ़ जाता है स्वाद सेम फली होती है तो, लेकिन वो सब चीज़ें नहीं है। तो और यहाँ पे मेरे साथ एक हादसा हो गया था, मेरा हाथ जल गया था, तो मुझे लगा था मैंने गैस बंद कर रखी है, अपने चावल जिस पर चढ़ा हुआ था गैस बंद कर रखी है मुझे ऐसा लगा, लेकिन वो गैस मेरा धीमे धीमे जल रहा था, जिसकी वजह से पतीला बहुत ज़्यादा गर्म था, और मैंने हाथों से ही उस पतीले को उतार दिया, जिसकी वजह से मेरे हाथ तो जले ही जले, लेकिन जो टेबल पे मैंने मैट डाला हुआ है उस पर वॉलपेपर वो भी मेरा जल गया थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म था, तुरंत गैस से उतार के उस टेबल पे नहीं रख सकते हैं, तो वो भी थोड़ा सा जल गया और मेरा हाथ भी जल गया। फिर उसके बाद मैं रोटियां बना रही हूँ यहाँ पर, तो बस ये डबल वाली रोटी बना रही हूँ, जो एक रोटी में दो रोटी निकलती है ना, तो वही रोटियाँ मैं फटाफट से बना देती हूँ, जब भी मुझे जल्दी होती है तो मैं वही रोटियाँ बना देती हूँ। और एक रोटी बनाती है तो दो रोटियाँ उसमें निकल जाती है, तो फटाफट से रोटियाँ बना दूँगी। और उसके बाद
सबको खिला दूंगी, क्योंकि टाइम भी हो रहा है, 8:30 हो गए हैं। और फिर चलिए फ्रेंड्स, बना के फटाफट खिला देती हूँ। और दो एक रोटी में दो रोटी देखिए निकाल देती हूँ मैं, तो ये डबल बीच में थोड़ा सा घी लगा के बना दो तो ऐसे ही बन जाती है रोटी, और बहुत ही टेस्टी भी लगती है, बच्चों को बहुत ज़्यादा खास तौर पे पसंद आता है। और यहाँ पे मेरा बेटा फ़ोन ले रखा है, इसने इससे मांग रहे थे तो ये रो रहा था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं तक, कल फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।